हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनु आइडिया एंड जुगाड़। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही टेस्टी और झटपट बन जाने वाले सूजी के अप्पे बनाने वाले हैं। ये बहुत ही टेस्टी भी है और हेल्दी भी है, एनी टाइम आप इसे बना सकते हैं। तो आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा, और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में जाके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। सूजी के अप्पे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सूजी ली हुई है, ये 2 कटोरी सूजी है। इसमें मैं 1 कटोरी ये दही डालूंगी। इसी कटोरी के मेजरमेंट से मैंने 2 कटोरी यहाँ पे सूजी लिया हुआ है, और 1 कटोरी हम इसमें दही डालेंगे। आप अपने हिसाब से आधा 1 कटोरी 2 कटोरी कितना भी बनाना चाहे उस हिसाब से बना सकते हैं। आप पे टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डालेंगे। मैं इसमें 1.5 छोटा चम्मच नमक डाल रही हूँ, और पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक गाढ़ा बैटर बना के छोड़ देंगे। इसको आधा घंटे के लिए ऐसे ही रख देंगे भिगा के। उसे क्या है कि ये अच्छे से सूजी हमारी इसमें फूल जाएगी। एक साथ इसमें पूरा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, और इसको अच्छे से ऊपर से नीचे मिक्स करना है। ये देखिए, 1 गिलास के करीब मेरा इसमें पानी डल गया है। अब मैं इसको ऐसे ही रख देती हूँ 20 से 25 मिनट या आधा घंटा के लिए। इसको ऐसे छोड़ दीजिए तो ये हमारी सूजी फूल के अच्छी गाढ़ा हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, हमारा सूजी और दही का जो बैटर हमने बनाया था वो अच्छे से फूल गई है हमारी सूजी, और ये कितना गाढ़ा हो गया है। तो अब मैं इसमें थोड़े से वेजिटेबल ऐड करूंगी। मैंने एक छोटा प्याज है जिसे बारीक बारीक काट लिया है, थोड़ा सा इसमें हम प्याज डालेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया डालूंगी, इसे ये बहुत ही कलरफुल भी दिखेगा और हेल्दी भी बनेगा। और एक गाजर है जिसे हमने एकदम बारीक बारीक किस लिया, इसको मैंने बारीक वाला जो किसनी होता है ग्रेटर, उससे मैंने बारीक बारीक किस लिया है। तो अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, इन सबको फिर अच्छे से हमको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी क्योंकि बैटर मुझे अभी थोड़ा गाढ़ा लग रहा है, तो थोड़ा सा पानी डालने से थोड़ा ये पतला हो जाएगा। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, अब इसको अच्छे से हम फिर से मिक्स कर देंगे। ये देखिए, थोड़ा सा पानी और डालेंगे। मैं आधा कटोरी के करीब पानी मैंने और ऐड किया है। इन सबको अच्छे से मिक्स डाल करेंगे। इसमें आप जो भी वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल है आप डाल सकते हैं, शिमला मिर्च हो या फिर पत्ता गोभी हो, जो भी आप डालना चाहें वो इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, हमारा बैटर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें से थोड़ा बैटर एक दूसरे किसी कटोरे में या बाउल में निकाल लेना लूँगी, क्योंकि क्या है हम इसमें इनो डालेंगे। मैं पूरे में एक साथ इनो नहीं डालूंगी, उससे क्या हो गया इनो का असर फिर बाद में कम होता जाता है। तो जितना हम बनाएंगे एक बार दो बार का उतना बैटर निकाल लूंगी और उतने में ही इनो डालूंगी। देखिए, मैंने एक दूसरा बाउल ले लिया है, इसमें से आधा बैटर मैं इसमें निकाल लूंगी। दो बार में जितना अप्पे बनेगा मैं उतना ही इसमें इनो डालूंगी। मेरा अप्पे का साचा छोटा है, एक बार में 7 ही बनता है, तो इसमें से मैंने आधा बैटर निकाल लिया है। अब मैं इसमें इनो डालूंगी। यदि आपके पास पाउच वाला इनो है तो आप एक पाउच एक बार में डाल सकते हैं। मैं स्पून इससे डाल रही हूँ इसमें, तो 1 चम्मच मैं इसमें इनो डालूंगी। मीडियम साइज का स्पून है ये, बहुत बड़ा वाला नहीं है। अब इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, उससे क्या है कि इनो का असर जल्दी शुरू हो जाता है। आप देखिएगा, इसमें मैं सिर्फ 1/2 चम्मच पानी डालूंगी और ये कितने जल्दी फ्लफी होने लगता है। तो हमारा बैटर तैयार है। अब हम गैस पे अप्पे का साँचा रख देते हैं और गैस को चालू कर देते हैं ताकि वो गर्म हो जाए। देखिए, हमारा साँचा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें अब थोड़ा थोड़ा तेल डालूंगी। बहुत ज्यादा तेल नहीं लगता है अप्पे में, बहुत ही हेल्दी नाश्ता है ये, एकदम ही कम तेल में बन जाता है। थोड़ा थोड़ा तेल डाला है मैंने। अब इसमें 1-1 चम्मच हम बैटर डालेंगे। गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे, क्योंकि ये जितने स्लो में बनता है उतना ही अच्छा बनता है। आप इनो की जगह मीठा सोडा का भी यूज कर सकते हैं, पर इनो से बहुत ही फ्लफी बनता है। 1 चम्मच भर के मैं इसमें बैटर डाल दे रही हूँ। अब
थोड़ा थोड़ा तेल मैं ऊपर से भी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक से दो दो बूंदे ही हम डालेंगे, और इसको एक प्लेट से ढक के फूलने देंगे। मैं इसको अब ढक देती हूँ, गैस की फ्लेम एकदम स्लो ही रहेगी। अब 3-4 मिनट बाद हम इसको ढक्कन खोलेंगे और पलट के दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। अब इसके साथ जब तक हमारे अप्पे बन रहे हैं तो हम चटनी की भी तैयारी कर लेते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो देखिए टमाटर लिए हुए हैं, ये लाल टमाटर हैं, थोड़ा सा लहसुन की कलियाँ हैं, इन सबको हम मिक्सी के जार में डाल देंगे। दो मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली हुई है, एक टुकड़ा अदरक का है, तो इसको मैं थोड़ा सा काट लेती हूँ ताकि ये पीसते समय अच्छे से पीस जाए। एक टुकड़ा मैंने प्याज का इसमें लिया है, आप इस बार जब चटनी बनाए तो उसमें प्याज जरूर डालिए, बहुत ही अच्छा डिफरेंट टेस्ट आता है। थोड़ा सा हरा धनिया है, तो इन सबको डाल के मिक्सी के जार में मैं इसको चटनी पीस लूंगी। अब इसमें हम नमक भी डालेंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट जैसा बना लेंगे, जैसे हम नॉर्मल चटनी बनाते हैं उसी तरीके का। अब मैं इसमें नमक डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, और एकदम थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे क्योंकि हमारा टमाटर ऑलरेडी पानी छोड़ेगा। अब मैं इसको मिक्सी में पीस के एक चटनी जैसा बना लूंगी इसका। देखिए 3-4 मिनट हो गया है, तो अब हम ढक्कन को हटा के अप्पे को पलट लेंगे। देखिए कितना फ्लफी बना है, आप देख रहे होंगे एकदम जस्ट डबल साइज में हो जाता है। देखिए जस्ट डबल साइज के हो गए, कितने बड़े बड़े साइज के अप्पे बन गए हैं। अब इन सबको पलट के वापस ढक्कन लगा के 2 मिनट ही हम दूसरे साइड भी सेक लेंगे। अब थोड़ा कम पेस्ट डालेंगे तो थोड़ा साइज में छोटा बनेगा, भर के पेस्ट हमने डाला था अप्पे का, इसलिए हमारे एकदम बड़े साइज के अप्पे आए हैं। ये देखिए सारे अप्पे को हमने पलट दिया है, वापस मैं इसको ढक्कन लगाऊंगी और इसे 2 मिनट दूसरी तरफ से भी ऐसी लाल होने तक सेकेंगे। देखिए 2 मिनट हो गया, तो हम ढक्कन खोल के दूसरी तरफ से भी चेक कर लेते हैं कि हमारे अप्पे सिक गए कि नहीं। ये देखिए दोनों तरफ से ये लाल हो गए हैं और बहुत ही अच्छे बने हैं, तब हम इनको प्लेट में निकाल लेंगे। बाकी के अप्पे भी हम इसी तरीके से बना लेंगे। फ्रेंड सूजी के अप्पे बहुत ही टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं और बहुत ही ईजिली बन भी जाते हैं। आपको ये सुबह में या शाम को जब भी बनाना चाहे, डिनर में किसी भी टाइम बना सकते हैं। हमारी चटनी भी बनके रेडी है, ये देखिए एकदम स्मूथ चटनी बन गई है। तो बस आप एक प्लेट में निकालिए और एनी टाइम आप एक हेल्दी ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कुछ भी कह सकते हैं, शाम का स्नैक्स खाने के लिए तैयार है।